वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। मुंबई के दहिसर पश्चिम कांदरपाड़ा में बने आईसीयू कोरोना केयर सेंटर का 2 दिन पहले ही कोरोना पेशेंट के लिए ओपन किया गया, लेकिन सुविधाओं के अभाव की जानकारी मिलने के बाद दहिसर विधानसभा की एमएलए मनीषा चौधरी वहां विजिट के लिए गई, जहां पर पता चला कि वहां बाथरूम में पानी तक नहीं और तरुण पेशेंट को बाथरूम में पानी नहीं होने पर डायपर पहनने के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें, विजिट के दौरान वहां देखा गया कि बारिश का पानी रखा है और बाथरूम से भी काफ़ी बदबू आ रही थी, और उसी दौरान वहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने दहिसर विधानसभा की एमएलए मनीषा चौधरी से बदसुलूकी करने लगा। जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि व्यक्ति के पास आईडी कार्ड तक नहीं। मामला बढ़ने पर पुलिस को भी कॉल करके बुलाया गया। कांदरपाड़ा कोविड सेंटर यहाँ चालू किया, आर सेंटर के पेशेंट हमारे अवस्थी करके उनको कल भगवती में एडमिट थे, भगवती से यहाँ उनको शिफ्ट कर दिया। रात को 11:30 बजे पेशेंट के रिलेटिव का मेरे को फ़ोन आया कि भाई उनको यहाँ पानी नहीं है टॉयलेट में और पेशेंट को डायपर पहना जाता है, इसीलिए मैंने आज सुबह में डॉक्टर से बात किया। मैं बोली मैं कोविड सेंटर में आती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमारे डॉक्टर है वहाँ आप जाइए। मैंने डॉक्टर नाइक के साथ पूरा वहाँ का जो कोविड पेशेंट छोड़ के यहाँ की जो सुविधा है वो देख लिया। बाद में मेडिसिन स्टोर में क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है, आपको क्या प्रॉब्लम है पूछताछ कर रही थी, तो यहाँ एक आदमी रखा है वो आके मेरे ऊपर जोर से चिल्लाने लगा आप कौन है। तो मैंने उनको बताया भाई मैं यहाँ की विधायक हूँ, मैं यहाँ देखने को आई हूँ, मुंबई महानगर पालिका में ऐसे अगर गुंडों को यहाँ रखते हैं तो पेशेंट की क्या सुविधा मिलेगी। आज टॉयलेट नहीं है, आपने देखा होगा कि टॉयलेट में पानी नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स नर्सेस हमारा स्टाफ सब लोग यहाँ रहते हैं, अगर टॉयलेट में पानी नहीं है, गंदगी आ रही है, बाजू के सोसाइटी के लोग हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत बास आती है। और ये कोविड सेंटर में अभी आप देखेंगे तो डेंगू के भी बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि सब जगह पानी भरा है और यहाँ बिल्कुल क्लीनिनेस नहीं है। अगर कोई आदमी इधर आता है कोविड सेंटर में तो उसको पास देना जरूरी है। अभी खाना लेके आया, उसके पास कोई भी पास नहीं है। ऐसा कोई भी आदमी अगर इधर आ सकता है तो इसकी सिक्योरिटी और लोगों के रहना बहुत खतरा है, इसीलिए मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को कहना चाहती हूँ, आप कोविड सेंटर चालू किया उसका मैं अभिनंदन करती हूँ, लेकिन कोविड सेंटर में यहाँ आने वाला आदमी जिंदा घर पे जाएगा क्या, इसकी मेरे को डर लग रहा है। और यहाँ जो स्टाफ और बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के लोग रखे हैं, ये इनका गुंडागिरी ज़्यादा चल रहा है। कल रात को ही हमारे कार्यकर्ता यहाँ आके पूछताछ करके गए थे, टॉयलेट में पानी नहीं है और सबको डायपर दिया जाता है, अगर कोई यंग बच्चा होगा तो डायपर कैसा यूज करेगा, अगर पानी नहीं है टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो कोविड सेंटर चालू करने के इतनी जल्दी क्यों है। और मैं दूसरा कहना चाहती हूँ कि हमारे भगवती हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट मिल रहे, वहाँ के पेशेंट यहाँ आप डायरेक्ट शिफ्ट मत करो, वहाँ ट्रीटमेंट मिलते हैं। अगर मेडिकल के कोविड सेंटर चालू किया तो पूरी सुविधा होनी चाहिए, सब इंजेक्शन यहाँ होनी चाहिए, सब मेडिसिन यहाँ होनी चाहिए, क्यों मेडिसिन नहीं है उसकी भी मुंबई महानगर पालिका ने उसकी दखल देनी चाहिए, खाली उद्घाटन करना नहीं है, उद्घाटन करने के बाद लोगों को सुविधा मिलती है क्या नहीं मिलती है यही देखना चाहिए।